जोरदार तालियां हो जाए अली शेर के लिए। अली अली तैयार हो? अच्छा वैसे अगर दिवाली की बात की जाए तो क्या याद आता है दिवाली से? दिवाली से बहुत बहुत कुछ याद आता है, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में भी एक फेस्टिवल त्यौहार ऐसा है जिसपे पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं। तो दिवाली इधर आके मुझे कुछ ये पता चला है कि दिवाली मतलब ये है कि अंधेरे पर रोशनी की जीत। क्या बात है, बिल्कुल। जैसा कि माशाल्लाह इधर दिवाली बड़े जोश व खरोश से और लोग बहुत मतलब इन्जॉय करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह अपने गाने के ज़रिए इनके साथ सेलिब्रेट करूँगा। क्या बात है, सुपर यार अली शेर। तो जोरदार तालियां हो जाए हिट स्क्वाड के सिंगिंग स्टार अली शेर के लिए। आई एम अली शेर, सुना मुंडा। या वक्ती नाना खड़ी बैंड बोला इसी नाना खड़ी बैंड मैं बाद भी बोले बीच भी हर बन गई ओ बोला इसी नारी खाला दूर बोला इसी नारी क्या ओ या और पंजाबी का अजब सा कॉम्बिनेशन है जो ना किसी अरब को ना किसी पंजाबी को समझ में आएगा, सिर्फ अली शेर ही हमें बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। अली शेर बिल्कुल स्लो में बोल के क्या क्या कह रहे हो, धीरे। एक बहुत पुराना गाना है, किसी के कहने में नाना मैं हूँ, ऐसा करके कुछ है। तो मुझे बचपन में वो आता नहीं था, तो मुझे मैं लाइक बड़ा करता था, तो स्कूल में जब भी मुझे मतलब कहा जाता कि ये गाना सुनाओ, तो मैंने उसमें कुछ भी बोल देना। तो ये जो शब्द हैं ये पक्के हो गए
मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ कि वस्ती नैना खरी बैंड बड़ा इश्ती नैना जगड़ फेंड बाबा अंधवी बल बिद भी हर बन गई खोल बड़ा इश्ती नारी खलात पर बड़ा इश्ती नारी खलात पर बड़ा आ ऐसे करके वो क्या था वो अली शेर मुंडा क्या था वो हाय आई एम अली शेर सोना मुंडा सोना मुंडा मुझे ये भी गलत फहमी है अच्छा गलत फहमी है कि आप सोने हो है अपने आप को नहीं लेकिन गलत फहमी नहीं है आप वाकई बहुत सोने हो वेरी गुड जी चलो सोने हो फिर जरा पूछ ले विशाल क्या कहेंगे आप तुम भी सोने तुम्हारा गाना भी सोना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और मजेदार और मतलब बेझिझक जो परफॉर्म करते हो ना बहुत मजा आता है वेल डन ये वो क्या था बीच में उसका मतलब क्या सर वो सर असल में मुझे पता नहीं वो मैंने कभी रैप किया नहीं है तो ये पता नहीं क्या था वो मैंने खुद से ही तैयार किया मैंने खुद ही पहले मेंटर्स को बताया था कि नहीं क्यों क्यों किया आपने सर ये होता है मुझे एक मिनट मनीष एक मिनट क्यों किया आपने ये सर मुझे अच्छा लग रहा था अच्छा लग रहा था ना हमें भी अच्छा लग रहा था फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग अली शेर तैयार हो तुम्हारा फैसला क्या है वो आज निकेन बताएगी इस पे हाथ रखो सर मुझे गायब ना कर दीजिएगा अली वैसे चलिए हम मजाक करते रहते हैं पर दिल में कहीं थोड़ा डर होता है अनसेफ होने का कहीं डर है थोड़ा अनसेफ होने का जी बिल्कुल क्योंकि सारेगामापा का स्टेज मेरे लिए बहुत खास है ये जो मेंटर्स हैं ये मेरी जान है मतलब रियली मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ तो इसलिए अनसेफ होने का बहुत ज्यादा डर होता है डर तो है लेकिन जनता का क्या फैसला है आपके पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस के आधार पर आपको बता दूं अली शेर इस हफ्ते आप अनसेफ हैं तो आपको डेंजर जोन में बैठना होगा थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द लक थैंक यू अली